योग गुरु रामदेव ने पतंजलि ग्रुप की चार कंपनियों के आईपीओ लाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने पहले से ही लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड को लेकर अपनी प्लानिंग के बारे में जानकारी दी है। रामदेव की जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं गौतम अडानी समूह के लिए चुनौती बन सकती है। पाम ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए पतंजलि समूह ने 15 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन में पाम के पेड़ लगाने का ऐलान किया है। ये पेड़ 11 राज्यों के 55 जिलों में लगाए जाएंगे। पतंजलि का दावा है कि किसी कंपनी द्वारा यह भारत की सबसे बड़ी पाम की खेती होगी। इससे 5 से 7 वर्षों में करीब 2000 करोड़ रुपए का सालाना रिटर्न कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं एक बार पाम के पेड़ के लग जाने के बाद अगले 40 वर्षों तक कमाई होगी। कंपनी ने बयान में बताया कि इससे खाद्य तेल के मामले में देश आत्मनिर्भर हो सकेगा और आयात की वजह से खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। पतंजलि का अनुमान है कि 3 लाख करोड़ रुपए तक की विदेशी मुद्रा बच जाएगी। इसे डॉलर के मुकाबले रुपया को बूस्ट भी मिलेगा। आपको बता दें कि रिटेल मार्केट में खाने के तेल की दो बड़ी कंपनियां गौतम अडानी की अडानी बिल्मर और रामदेव के पतंजलि फूड्स लिमिटेड है। पतंजलि समूह की इस कंपनी की अडानी बिल्मर सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। हर घर के किचन में किसी न किसी बहाने जगह बनाने वाली ये दोनों कंपनियां शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हैं। आपको बता दें कि अडानी बिल्मर के मुखिया गौतम अडानी अब दुनिया के दूसरे सबसे रईस अरबपति बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।